हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एकजुट हुए लोग। जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र उम्मेद चौक में दो गुटों के बीच चल रहे विवादों और पुलिस में गिरफ्तारी होने के बाद एक पक्ष के लोग सोमवार को एकजुट होकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस गुट के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरे पक्ष के लोग उनके बच्चों को धमकियां दे रहे हैं। दरअसल उम्मेद चौक पिछले कुछ माह से युवाओं के दो गुटों में विवाद चल रहा है। कुछ दिन पहले ही उनमें वापस मारपीट और हमला भी हुआ था। दोनों ओर से पुलिस में मामले भी दर्ज हैं और पुलिस ने उसमें गिरफ्तारियां भी की, लेकिन एक गुट के परिजनों का आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ उनके बच्चों को परेशान और गिरफ्तार किया जा रहा है। उनकी तरफ से दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस की शह पर आरोपी खुला घूम रहा है और उनके बच्चों को एलानिया धमकियां दे रहे हैं, जिसके कारण उन्हें भय व्याप्त है। वे स्कूल और अन्य स्थानों पर जाने से डर रहे हैं। ये सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने पर वे उनके बच्चों का अहित कर सकते हैं। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में पुरुष महिलाएं एकत्रित होकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। गलत कार्रवाई हो रही है और मेरे भाई की जो गलत कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल गलत हो रही है। वो पेशेंट होने के बावजूद भी वो कुछ पुलिस के अंडर में और उसे थर्ड डिग्री अपना रहे और कोई भी वास्तविक रूप से कार्य नहीं हो रहा है और पुलिस संपर्क बहुत गलत काम कर रही है और ये राजनीति और ये सारा काम हो रहा है। राजेश का नाम जो वार्ड पार्षद लक्ष्मी देवी वार्ड नंबर 35 की है तो उसका भी नाम बच्चे का गलत लिया जा रहा है और ये इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ कि ये इंक्वायरी आगे से आगे बढ़नी चाहिए और पुलिस प्रशासन पे विरोध करना चाहिए और हम इसीलिए सारी पब्लिक इसीलिए इकट्ठी हुई, हमारे परिवार इसीलिए इकट्ठा हुआ है कि इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं हम और हम अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।